मॉर्निंग गाइस, गर्मियां आ चुकी हैं, धूप भी सुबह सुबह निकल आती है। अभी फिलहाल बन रही है चाय, और चाय के बिना तो दिन की शुरुआत नहीं होती है। तो सबसे पहले उठते ही चाय बनाई, बिस्तर वगैरह भी साथ के साथ ठीक कर रही थी, लेकिन चाय का जो तलब है ना, वो उठते ही उठते लगने लगती है। तो यहाँ पर चाय पीते पीते मैं और प्रशांत थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं, उसके बाद वो अपने काम पर लग जाते हैं, मैं अपने काम पर। आते ही सबसे पहले मैंने कशिश का बेडरूम ठीक किया। कशिश का क्या मतलब, हम लोग एक हफ्ते से इसी रूम में सो रहे हैं, क्योंकि हमें अपने रूम में नींद ही नहीं आ रही। हमारे रूम के जो गद्दे हैं ना, वो थोड़े से बेकार हो रहे हैं यार, उनको लगता है चेंज करने की बारी आ गई है। अब वो पता है बहुत तंग करने लगे हैं, कमर में दर्द रहने लगा है उसमें सोने की वजह से। तो आजकल हम कशिश के रूम में आके सो जाते हैं, उसका जो मैट्रेस है ना, उसमें बहुत अच्छी नींद आती है। बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा समर हॉल। मैंने काफी सारे कपड़े मंगाए थे इन कुछ दिनों में, तो ये इकट्ठे हो गए, और कुछ अभी ट्रांजिट में भी हैं, तो वो जब आएंगे तब वो तब दिखा दूंगी। लेकिन फिलहाल जो मेरे पास आ गए हैं वो मैं अभी एक एक करके आपके साथ शेयर कर देती हूँ। कुछ मैंने अर्बनिक से मंगाए, कुछ मिंत्रा से मंगाए, कुछ अजियो के भी हैं। तो मिक्स है यार, ये मिक्स हॉल है। तो मैंने कुछ की तो पैकिंग भी नहीं खोली है, जैसे कि ये मिंत्रा से मैंने कुछ कुर्ती के सेट भी मंगाए हैं, क्योंकि समर में ना कुर्ती पहनना बड़ा अच्छा लगता है मेरे को, और हल्के के हल्के रहते हैं और लुक भी बहुत अच्छा आता है। विंटर में तो कार्डिगन्स वगैरह के नीचे छिप जाते हैं कुर्तियाँ, तो पहनने का इतना दिल नहीं करता। इसमें से एक मैंने मंगाया है रॉम पर, एक मैंने बहुत ब्राइट कलर का, क्योंकि समर है तो मैंने ब्राइट पिंक कलर का बहुत प्यारा सा फ्रॉक स्टाइल है, ये भी दिखाऊंगी आपके साथ। तो चलिए मैं कहाँ से शुरू करूँ, मिंत्रा से दिखाती हूँ आपको, ठीक है। जो निकलता जाएगा वो मैं दिखाती जाऊँगी। ये थोड़ा सा मोटा सा लग रहा है मेरे को पैकेट, तो इसे दिखाती हूँ। और हाँ ओके, हाँ मैंने ये वाला जो कलर है ना, ये सोच के मंगाया था कि समर में बड़ा प्यारा लगेगा। ये कुछ लेमन सा कलर है और नियॉन टाइप का, तो नियॉन कलर बहुत अच्छे लगते हैं पहनने में। ये एक कुर्ती सेट है, दिखाती हूँ आपको, लिबास का है। लिबास के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, इनकी कुर्तियों की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इसीलिए मैंने लिबास का ही मंगाया था। और ये मिंत्रा पे मिल जाएगा आपको। तो ये जो कुर्ता सेट है ना, ये कॉटन का है, सबसे अच्छी बात, क्योंकि गर्मियों में वही चाहिए होता है हमें। प्लस ये बांधनी प्रिंट में है, और इसके साथ आपको ट्राउजर भी मिल रहा है और साथ में दुपट्टा भी, तो ये फुल सेट है। तो देखते हैं इसे कैसा है ये। ओके, ये फ्रॉक स्टाइल में है, और यहाँ पर गोटा पट्टी का भी काम हो रहा है यार, जैसा मैंने देखा था ना पिक्चर में, मुझे बिल्कुल वैसा ही मिला है यार। कपड़ा भी बहुत अच्छा है इसका, बहुत सॉफ्ट है। वैसे भी मुझे लिबास का जो ब्रांड है ना, वो पसंद है, तो इसीलिए मैंने मंगाया भी था। इसमें एक और अच्छी चीज़ है, आप ये नोटिस करोगे कि बीच में से ना यहाँ पे कट है, फ्रंट में कट है, तो स्लिट दिया हुआ है, तो जिससे ना लुक और प्यारा आएगा जब इसके नीचे हम ट्राउजर पहनेंगे। मैं पहन के भी दिखाऊंगी आपको, ठीक है, मुझे भी पता चल जाएगा कि मुझ पे कौन सा बेटर लग रहा है। आप भी चॉइस करा सकते हो, जो सबसे अच्छे लगेंगे वही रखूंगी, और जो नहीं पसंद आएंगे मेरे ऊपर तो उन्हें चेंज करके दूसरे कुछ और मंगा लूंगी। ये देखिए, इसके साथ जो मिला है हमें ट्राउजर, वो भी बहुत प्यारा सा मिला है वैसे, और यहाँ पर भी गोटा पट्टी का ही काम हो रहा है। चुंदरी प्रिंट कलर कॉम्बिनेशन, लेमन वाला जो कलर है ना, बड़ा ही प्यारा सा लग रहा है, समर के लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। और ये इसका प्यारा सा दुपट्टा, अरे वाह, दुपट्टा भी बड़ा प्यारा सा है यार। मैं इसे पहनकर आती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको कैसा लग रहा है मुझ पे। ओके, इसमें निकला है एक और कुर्ता। ये कुर्ता सेट नहीं है, केवल कुर्ती है ये। ये भी कॉटन की है, और ये ना विदाउट स्लीव है, तो मैंने ऐसा सोचा था कि विदाउट स्लीव भी होनी चाहिए समर में पहनने के लिए। लाइट है एकदम, वाव। और प्रिंट इसका ऐसा सा है, ये कुछ ब्लैक कलर में है। इसका कपड़ा भी काफ़ी अच्छा है, इसमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगने वाली, पहनने के बाद ऐसा फील हो रहा है। प्लस इसमें ये देखिए, विदाउट स्लीव के साथ इस टाइप के मतलब विदाउट स्लीव भी नहीं है, बल्कि इस टाइप की एक आपको बैंड मिल रहा है, तो इस तरीके से आएगा, बड़ा ही प्यारा सा लुक आएगा, जिसे आप ना ब्लैक कलर के ट्राउज़र के साथ पेयर कर सकते हो। मैं भी इसके साथ ब्लैक ट्राउज़र, या फिर आप चाहो तो कॉम्बिनेशन में रेड भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि रस्ट रेड कलर का इसमें प्रिंट है। तो ये एक प्रिंटेड कॉटन वाली कुर्ती है। इस वाली कुर्ती की पर्टिकुलर मैंने रेटिंग वगैरह चेक करके मंगाया था, इसको 4.6 रेटिंग मिली हुई थी, और ज़्यादा महंगी भी नहीं है, ये 500 की कुर्ती है। लेकिन इसके साथ आपको और कुछ नहीं मिल रहा है पेयर करने के लिए, आपको चीज़ें मतलब अरेंज करनी पड़ेंगी, जो कि पहला सूट जो था मेरा वो 1799 रुपीज़ के अराउंड था, लेकिन उसमें आपको तीनों चीज़ें मिल रही हैं। वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन जो लुक आ रहा है ना उसका, पूरा ओवरऑल लुक वो बहुत बढ़िया आ रहा है। थर्ड है ये, इसे भी खोल के देख लेते हैं। मैंने वैसे मंगाई सारी कॉटन की हैं कुर्तियाँ वगैरह,
तो ये मैंने लिबास की मंगाई है अगेन, और कलर भी मैंने ऐसे चूज़ करे जो कि मैं समर में पहनूँ तो अच्छे लगे। बस ये ब्लैक कलर तो मेरा फेवरेट है, वो मैं समर हो या विंटर मैं नहीं छोड़ सकती पहनना। जब मुझे ब्लैक कलर दिखता है ना तो बाकी कलर उसके आगे धुंधले पड़ जाते हैं। मुझे ब्लैक इतना पसंद आता है अपने ऊपर, मुझे अच्छा भी लगता है पहनने के बाद। तो ये जो कुर्ती है इसकी ना स्लीव्स हैं, कभी कभी हमें स्लीव्स वाली कुर्तियाँ भी चलती हैं क्योंकि धूप वगैरह गर्मी में निकल रहे हो तो थोड़ा सा कवर हो जाता है। इस पर भी ना बड़ी प्यारी सी लेस लगी हुई है, हाँ लेस तो बड़ी अच्छी लगी हुई है साइड में, और यहाँ पे भी लगा रखी है सेंटर में लेस। आई एम श्योर आप देख पा रहे होगे लेस लगी हुई है। फ्रंट का वर्क देखिए कितना प्यारा सा है, नेक पे सितारे का वर्क है, पूरी नेक भरी भरी सी लगेगी, पूरा स्टार वाला सितारे वाला काम हो रहा है। और इसका जो प्रिंट है ना वो भी बड़ा ही प्यारा सा है, ये पिंक और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन में पूरे में प्रिंटेड वाली कुर्ती है। ये भी खाली कुर्ती मंगाई है मैंने, इसके साथ कोई मुझे पजामी वगैरह या कुछ नहीं रिसीव हुआ है। और पता है इस पे 62% ऑफ भी चल रहा था तो मैंने ये सोच के और मंगा ली। कुर्तियाँ खाली मंगाते ना थोड़ी सस्ती पड़ जाती है, 600 रुपीज़ की है और इसको 4.4 रेटिंग भी मिली हुई थी, तो मैंने सोचा नहीं इसे मंगा के चेक करके देखते हैं। कपड़ा वाकई मुझे बहुत पसंद आया, सॉफ्ट सा कॉटन का कपड़ा है जो समर में मैं आराम से किसी भी कहते हैं प्लाजो वगैरह के साथ आराम से पेयर कर सकती हूँ। उसके साथ दुपट्टा भी नहीं लूंगी तो भी चल जाएगा क्योंकि लूज फिटिंग है हल्की, तो अच्छा लग रहा है मेरे को। अभी मैंने एक और पूरा सेट मंगाया, वो बहुत ही सुंदर सेट है, पूरा कुर्ती सेट है, उसके साथ आपको दुपट्टा शलवार सब कुछ मिल रही है, कलर भी बड़ा ही प्यारा सा है, लेकिन वो आज आ नहीं पाया तो इस हॉल वीडियो में मैं शेयर नहीं करूंगी, लेकिन किसी और दिन मैं व्लॉग में ऐसे ही दिखा दूंगी आपको। आज जो जो सामान मेरे को आ गया है वो मैं दिखा रही हूँ। तो एक बात बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपने भी नोटिस किया है या सिर्फ मैंने ही नोटिस किया है, आजकल ना बहुत ज्यादा कलरफुल पैंट पहनने का ट्रेंड चल रहा है, जिसके साथ आप लाइट कलर की कोई भी पेयर करके शर्ट या टॉप पहन सकते हो और वो बहुत ही प्यारा लगता है। और इतने कलर की पैंट्स चल रही है मार्केट में कि हर कलर में मिल जाएगी आपको। मैंने तो खैर रोज रेड कलर में मंगाई है, इसमें मैंने ग्रीन भी देखी, मैंने पर्पल भी देखी, बड़ी प्यारी प्यारी मिल रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ना मिंत्रा पे ज्यादा वैरायटी नहीं दिखाई दी इसकी, मतलब बहुत ही लिमिटेड सा कलेक्शन था। लेकिन वहीं पर अगर आप अर्बनिक पे जाओगे तो आपको ना बहुत अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा कलरफुल पैंट का, लेकिन बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक होती है। जो भी मैं पता कार्ड में ऐड करती थी अगले दिन मैं सोचती थी मैं ऑर्डर कर दूंगी एक साथ दो चार चीजें मिक्स करके, लेकिन वो अगले दिन आउट ऑफ स्टॉक, मतलब मेरा साइज नहीं मिल रहा है, बड़ा वाले साइज मिल रहे हैं या सबसे छोटे साइज मिल रहे हैं, ऐसे आउट ऑफ स्टॉक हो रही है वो। लेकिन फिलहाल मेरे को एक हफ्ते लग गई तो मैं वही दिखा रही हूँ आपको। ये भी मेरी बहुत फेवरेट थी, ये पता है आउट ऑफ स्टॉक होके वापस आई है, तो ऐसा नहीं है अगर कोई चीज पसंद आ रही है तो आप वेट कर लो, बाद में वापस भी आ सकती है। तो ये है एक बहुत ही प्यारी सी पिंक कलर की पैंट ली है मैंने, ये एक जिपर टॉपर पैंट है। टॉपर का मतलब ये है कि ये जो अलग से आप बेल्ट देख रहे हो ना इससे फिटिंग बहुत बढ़िया आती है, और ये ना थोड़ा ऊपर की तरफ आती है, जैसे कि ये वेस्ट लाइन तक नहीं रहती, वेस्ट लाइन से ऊपर रहती है ये वाली पैंट, तो उससे आप ना क्रॉप टॉप वगैरह भी पेयर अप कर सकते हो और थोड़ा स्लिम भी लग सकते हो, तो ये बेल्ट इसमें हेल्प करती है इस चीज में। यहाँ पर ना 3 बटन दिए हुए हैं और साथ में यहाँ पर जिप भी दी हुई है, ये रिजिप, और बहुत ही प्यारा सा कलर है गाइस, और मुझे कलर तो बहुत ही पसंद आया, लेकिन इसके साथ साथ इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा रिसीव हुआ है, तो मुझे ओवरऑल ये बहुत पसंद आई। सबके लिंक विंक मैं नीचे छोड़ दूंगी, ये मेरा खुद का कलेक्शन है जो मैं इतने दिन से ढूंढ ढूंढ के ऐड कर रही थी और मुझे मिल भी गया, तो ये कुछ 1000 रुपए के अराउंड था, तो लिंक विंक सब नीचे मिल जाएंगे आपको। अर्बनिक से और भी चीजें ऑर्डर करी थी लेकिन वो अभी टाइम से आ नहीं पाई है, अर्बनिक में थोड़ा सा दिक्कत रहती है, वहां पर ऑर्डर करी हुई चीजें ना 1-1.5 हफ्ते में आती है, पहले तो और भी ज्यादा लेट आती थी, लेकिन मैंने जो ट्रिक अपनाई है ना उससे कुछ चीजें बहुत जल्दी आ जाती है। मैं क्या करती हूँ ना हर प्रोडक्ट को इंडिविजुअल ऑर्डर करती हूँ, तो अलग अलग ऑर्डर क्रिएट करती हूँ, और एक और प्लस पॉइंट मैं करती हूँ, मैं ना कैश ऑन डिलीवरी रखती हूँ, तो जब मुझे प्रोडक्ट रिसीव हो जाता है देन मैं कैश पकड़ाती हूँ, उससे पहले मैं कैश बैंक ट्रांजिट नहीं करती। उसमें मैंने देखा था काफी लेट हो रहे थे इनके प्रोडक्ट, जब मैं पर्टिकुलर ऐसे करती हूँ ना जैसे कैश ऑन डिलीवरी तो ये जल्दी दे देते हैं, मैंने नोटिस कराया अगर इनके स्टॉक में है, अगर नहीं है तो फिर आपको 1-1.5 हफ्ता लग सकता है। मैंने जितनी बार ऐसा किया है मुझे जल्दी रिसीव हुई है, बहुत सारी चीजें जल्दी रिसीव हुई है, देखते हैं ऐसे। हाँ ये मैंने एक जीन्स ऑर्डर करी है, आपको पता है मुझे वाइट लेग जीन्स बहुत पसंद है, मेरे पास ब्लू कलर में तो है लेकिन कभी भी ब्लैक या ग्रे कलर में नहीं थी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक
ऐसे कलर में भी मंगाई जाए। समर में तो जीन्स वगैरह के साथ टॉप पहनो, बड़ा सुंदर लगता है। जीन्स मतलब समर हो या विंटर, यार ऑलराउंडर चीज है। और ये वाली जीन्स ना बहुत प्यारी सी थी, ये ना मिक्स है ग्रे और ब्लैक कलर का, तो बहुत ही प्यारा सा है। इसका कपड़ा भी अच्छा रिसीव हुआ है मुझे। अगर मैं प्राइस वाइज देखूँ तो उस हिसाब से भी मुझे काफी रिजनेबल पड़ी है ये। जो मैंने लाइफ स्टाइल से लास्ट ईयर खरीदी समर में वाइट लेग जीन्स, वो मुझे 1500-1600 के अराउंड पड़ी थी, और ये मुझे 1200 में पड़ी है। और कपड़ा भी अच्छा रिसीव हुआ है, अगर नहीं होता तो मैं ऑफकोर्स वापस करती। तो मैं ये सोच के मंगा लेती हूँ, यार चीज़ पसंद आएगी तो रख लूँगी, नहीं पसंद आएगा तो चेंज हो जाएगा, वापस हो जाएगा। ऑल इन ऑल मुझे पसंद आई है पहनने के बाद, और देखेंगे कैसा लुक आ रहा है इसका। नेक्स्ट जो मैं टॉप दिखा रही हूँ, ये मैंने मंगाया है मिंत्रा से, और ये फ्लोरल प्रिंट का टॉप है जो कि समर में अच्छा लगेगा। नेवी ब्लू कलर का है, इसकी स्लीव्स बड़ी फ्रिल वाली है। इसमें बाय द वे बहुत सारे कलर मिल जाएंगे आपको, और ये जॉर्जेट में है, काफी अच्छा कपड़ा है इसका। यहाँ पर इलास्टिक दी हुई है तो फिटिंग वगैरह का कोई इशू नहीं रहेगा, अच्छे से फिट आ सकती है किसी को भी। इसको भी अच्छी रेटिंग मिली हुई थी, 4.4 रेटिंग थी, और ये मुझे 545 रुपीज में मिला है। तो इसे भी देखते हैं, ये थोड़ा क्रॉप टॉप है तो हाई वेस्ट जीन्स के साथ ही चलेगा। नेक्स्ट जो ड्रेस है वो मैंने ऑलरेडी ओपन करके चेक करके पहन के देख लिया था, क्योंकि ये काफी दिन पहले आ गया था। मुझे लगा जब तक मैं आपके साथ हॉल वीडियो शेयर करूंगी कहीं ऐसा ना हो ये मुझे फिट ना आए और फिर ये वापस ना हो उसके बाद, क्योंकि फिर कुछ टाइम पीरियड के लिए ही आप चीजें चेंज कर सकते हो अगर पसंद नहीं आ रही हो। तो ये ना एक फ्रॉक है, बहुत ही प्यारा सा और ब्राइट पिंक कलर का फ्रॉक है, जो कि बाहर अगर आप वैकेशन पे जा रहे हो, आउटिंग पे जा रहे हो तो पहनो, तो फोटोग्राफ्स बहुत अच्छे आएंगे। इसके साथ आपने सनग्लासेस वगैरह लगा लिया, अच्छे से पेयर अप कर लिया ना, बेल्ट वगैरह लगा के, तो बहुत सुंदर फोटोग्राफ्स आएंगे। तो ये मैं घूमने के पर्पज से ही लिया था कि कहीं मैं घूमने जाऊंगी अगर समर में तो मैं इसे पहन सकती हूँ। तो ये बहुत ही प्यारा सा मुझे मिला है, 700 के अराउंड है ये। कुछ मैं नोटिस कर रही हूँ कि इसका कलर ना यहाँ पे कुछ ज्यादा ही वो आ रहा है, वाइब्रेंट सा, लेकिन ये ना बहुत प्यारा सा पिंक कलर का है और है बिल्कुल प्लेन, तो इसे आप बहुत अच्छे से एक्सेसराइज कर सकते हो। और अब मैं दिखाती हूँ आपको रोम्बर, तो ये व्हाइट कलर का है और इसका यहाँ पर देखिए सितारों का काम हो रहा है यहाँ पे। ये पार्टी पर्पज से भी बहुत अच्छा है वैसे, अगर आप किसी पार्टी वगैरह में पहन के जाते हो तो बहुत प्यारा लगेगा। और विदाउट स्लीव है, पीछे जिप दी हुई है, यहाँ पे हल्का सा जो कट है वो इसके लुक को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है। ये मैंने अजियो से मंगाया था, वो अजियो पे ना सेल आई हुई थी उस टाइम, और ये काफ़ी दिन पहले लिया है मैंने, दिखा आपको आज रही हूँ। मुझे नहीं पता कि आपको ये इस टाइम मिल भी पाएगा कि नहीं, लेकिन मैं लिंक छोड़ दूंगी आपके लिए, क्योंकि उस टाइम ना सेल आई हुई थी तो ये मुझे बहुत सस्ते में मिल गया था। तो जब मैंने ये खरीदा था तब मुझे 945 रुपीज़ का मिला था, लेकिन अगर आप इसे अब लेंगे तो 1400 कुछ का है, और इसीलिए थोड़ा महंगा हो गया। अब उस टाइम सेल में बहुत बढ़िया मिल गया था मुझे। और जो चीज़ें मैंने ऑर्डर करी थी जो आई नहीं है वो मैं बाद में आपको कभी किसी और व्लॉग में दिखा दूंगी। आप बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा मेरा समर वाला हॉल। सब कुछ कॉम्बिनेशन है, मिक्स है, मैच है, सारे ब्रांड्स भी मैच हैं, क्योंकि जो चीज़ जहाँ पर मुझे अच्छी लगी वो मैंने वहाँ से ली है। जैसे मुझे कुर्तियों के मामले में मिंत्रा ज़्यादा पसंद है, और अमेजोन से भी ज़्यादा मुझे मिंत्रा पे ज़्यादा पसंद आती हैं कुर्तियाँ जो होती हैं, उनकी क्वालिटी बेस्ट होती है, तो इसीलिए मैं मिंत्रा से मंगा लेती हूँ। आप मीशो से भी मंगा सकते हो, मीशो से भी मैंने बहुत सारे कपड़े मंगाए हुए हैं पहले, लेकिन बस मीशो पे रेटिंग वगैरह बहुत चेक करके लेनी पड़ती है। और मैं तो कभी कभी क्या करती हूँ ना, मिंत्रा और मीशो का भी कंपैरिजन कभी कभी आप करोगे तो आपको पता चलेगा। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनकी पिक्चर आप क्लिक करो ना जैसे मिंत्रा की, और वो आपको पसंद आ रहे हैं, और अगर वो मीशो पे भी अवेलेबल है तो आपको कम प्राइस में मिल जाते हैं। कभी आपने नोटिस किया है तो बताना मुझे। तो लेकिन सारे कपड़े नहीं होते, वो बहुत ही कम ऐसे कपड़े होते हैं जो दोनों जगह मिलेंगे, लेकिन मिंत्रा पे थोड़े महंगे और मीशो पे थोड़े सस्ते। ये वाले कपड़े मैंने डाल के देखे थे, मुझे मिले नहीं तो मैंने मिंत्रा से मंगाए, और मिंत्रा की क्वालिटी पे मुझे विश्वास है। बच्चों की बर्थडे पार्टी हो रही है, मैं खुद ही आ गई। वैसे मुझे कॉफी पीनी थी लेकिन अब मैं मॉकटेल पी रही हूँ। मेरा सर चक्कर खा रहा था, अब और ज्यादा चक्कर खा रहा मॉकटेल कॉफी। आपके साथ हॉल वीडियो शेयर करने के बाद मैंने ये अलमारी सेट करी थी, क्योंकि इसमें से सारे विंटर के कपड़े निकाल दिए थे, वो तो मैंने एक दिन दिखाया भी था आपको। तो
लेकिन अब समर के कपड़े लगाए और समर में बस इतनी सी टी शर्ट निकली मेरे पास, जितनी भी पुरानी हो गई थी, फेड आउट हो गई थी, मैंने हटा दी सारी की सारी और एक जगह कलेक्ट कर दी है। जब भी हमारी सोसाइटी में वो ड्रॉप बॉक्स लगता है ना, तब मैं उसमें डाल देती हूँ। आज टाइम जरूर लगा लेकिन काम हो गया अच्छे से। अब इतनी जगह खाली है जिसे धीरे धीरे अच्छे अच्छे कपड़े जो पसंद आएंगे, एक बार में नहीं करती मैं शॉपिंग, धीरे धीरे आराम आराम से जब जो चीज पसंद आ गई ले ली। आंखें ना आज बहुत ज्यादा दर्द कर रही हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले फेस वॉश करती हूँ एंड देन यूज करती हूँ ये। मैं मिनीसो से लाई थी ना ये वाला, ये है डीप हाइड्रेटिंग आई मास्क। इसे एक ट्राई करके देखती हूँ, उसमें 3 पेयर है और एक मैं कशिश के लिए रखूंगी, जब कशिश आएगी वो यूज करके देखेगी, उसे बड़ी अच्छी लगती है ऐसी चीजें। मैं लगाने वाली हूँ आज अपने फेस पर ये शीट मास्क, कौन सा लगाऊँ, ये भी मैं वहीं से लाई थी मिनीसो से। आज मन कर रहा है थोड़ा ठंडा ठंडा चेहरा लगेगा ना, अच्छा लगेगा खुद को, तो ये वाला लगाया जाए। इनका नाम बड़ा अच्छा है, सुपर फूड फेशियल मास्क, ये वाला स्ट्रॉबेरी। देखते हैं ट्राई करते हैं कैसे निकलते हैं। आज से पहले मैंने ऐसा कुछ अपने अंडर आई एरिया पर नहीं लगाया है। इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि मॉइस्चराइज करेगा आपके अंडर आई एरिया को, अगर आपको पफिनेस हो रही है तो वो भी रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। तो देखते हैं, ट्राई तो करना बनता है। ओके, 3 पाउच है, एक ही लगाया जाएगा, कैसा होगा मुझे खुद नहीं पता। क्या निकलने वाला है इसमें से? ओ, शीट मास्क जैसा होता है ना वैसा सा है, और बहुत पतला पतले 2 हैं ये एक में, तो ये हमें अंडर आई एरिया पर लगाने हैं। ओके, कैसे लगाने हैं? इस तरीके से है ये। ओके, पतला वाला जो हिस्सा है वो अंदर की तरफ रहेगा, मैं एक पहले लगा लूं। काफी ठंडा ठंडा लग रहा है, और दूसरा ये रहा। इसके पीछे लिखा है 15-20 मिनट लगाकर छोड़ सकते हो, और उसके बाद जब आप इसे हटाओ तो हल्के हाथों से, मतलब हाथों से नहीं बल्कि फिंगर टिप की हेल्प से, और सबसे हल्की जो फिंगर टिप होती है वो ये वाली होती है, सबसे कम प्रेशर देती है, तो अंडर आई एरिया में हमेशा इसे यूज करना चाहिए। तो 5 मिनट के लिए इस उंगली से मसाज कर लीजिए, साथ में मैं ये भी लगा लेती हूँ। दोस्तों मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड, मिलेंगे कल आप लोगों से एक और अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर भी कर देना, और बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको सबसे अच्छी ड्रेस कौन सी लगी मेरे ऊपर। मुझे वो सबसे पहला वाला जो ग्रीन सूट था बहुत पसंद आया सच्ची में। तो चलिए बाय बाय, लव यू गाइज, गुड नाइट।